किशनगंज पुलिस ने आज टीही गांव पुलिया के पास से अवैध शराब ले जाते हुए एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने युवक से 15 लीटर अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब परिवहन करने वालों के खिलाफ महू पुलिस सख्त हो गई है। इसी दौरान किशनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टीही गांव पुलिया के पास से एक युवक को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ाए युवक का नाम टीही गांव निवासी महेश पिता भैरूलाल बताया जा रहा है। पुलिस को महेश के पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली है, जिसकी कीमत 1500 रुपए बताई जा रही है। एक सूचना जो है टीआई किशनगंज को लगातार मिल रही थी कि वहाँ पुलिया के पास फोर लेन जो है वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है चोरी छिपे अवैध रूप से शराब बेचता है, तो उस पे से महेश पिता भैरूलाल जो है उसको पकड़ा है। उसके कब्जे से 15 लीटर कैन में भरी हुई जहरीली शराब पकड़ी गई है। और चूंकि अभी पिछले दिनों से एक अभियान जो है लगातार चल रहा है, जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब, अवैध शराब जो है पकड़ी जा रही है, उसमें किशनगंज थाना क्षेत्र में कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें पीटियों से शराब बरामद की गई है, तो उसी मुहिम के तहत ये कार्रवाई हुई है और लगातार आगे भी ये कार्रवाई होती रहेगी। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह कच्ची शराब कहां से लेकर आया है और कहां लेकर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज महू।